हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे फूड सेफ्टी इंडेक्स की। फूड सेफ्टी इंडेक्स बेसिकली FSSAI का एक इनिशिएटिव है, जो कि 7 जून को फर्स्ट टाइम 2019 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन इसको इनिशिएट किया गया था। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस बेसिकली ऑल स्टेट्स की एक रैंकिंग तैयार करना था, जो इंडिया के सभी स्टेट्स हैं उनकी एक रैंकिंग तैयार करना था कि उनमें फूड सेफ्टी का कल्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है। आपको याद होगा कि भारत में 2011 के बाद में फूड सेफ्टी एक्ट और रेगुलेशन आने लगा, और फिर PFA को हटा के हम लोगों ने FSSAI के थ्रू सभी जगह ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। तो अब स्टार्ट हुआ है 2019 में फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो कि पूरे भारत की पॉपुलेशन के लिए फूड सेफ्टी एनवायरनमेंट को समझने के लिए और हमारे देश में क्या कल्चर डेवलप हो रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए वीडियो को समझते हैं। देखिए, इंडेक्स के बारे में जानिए कि ये इंडेक्स जो डेवलप हुआ है FSSAI के द्वारा डेवलप हुआ है, और इसका मेज़र करने का, उसको परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने का एक तरीका है। इन्होंने 5 तरह से अगर बात करें इस पर वर्क किया है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कंप्लायंस हो गए, कुछ लीगल कंप्लायंस होते हैं वो फुलफिल होते हैं या नहीं, उसके बाद फिर फूड टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से कुछ और भी इन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, जिसके बाद ये एक रैंकिंग तैयार करती है। कौन? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो रैंकिंग तैयार हुई है स्टेट्स की, इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात है, इस बार 2021 में गुजरात ने टॉप किया है, पहले नंबर पे रैंक है। और उसके साथ साथ और भी स्टेट्स हैं जैसे कि केरला नंबर 2 पे है और तमिलनाडु नंबर 3 पे। उसके बाद स्मॉलर स्टेट्स की अगर बात करें तो गोवा ने टॉप किया है 2021 में, और उसके बाद मेघालय, मणिपुर, इस तरह के स्टेट्स आते हैं। और यूनियन टेरिटरी में अगर देखें तो जम्मू और कश्मीर टॉप पे हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार, इस तरह के हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या है। देखिए, भारत के स्टेट्स में अगर देखें, लार्ज स्टेट्स में, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पोजिशन गुजरात, देन केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, UP, HP, MP, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आसाम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार। छोटे स्टेट में अगर आएँ तो गोवा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो ये अगर इसको कहें तो थर्ड फूड सेफ्टी एक इंडेक्स है। फर्स्ट जो फूड सेफ्टी इंडेक्स आई थी 2018-19, उसके बाद 19-20 और 20 और 21 के बीच में ये आई है। इसके पैरामीटर कौन कौन से हैं जो कि जस्टिफाइड करते हैं इस इंडेक्स को? देखिए, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि जब से 2011 के बाद से फूड सेफ्टी रेगुलेशन आया है भारतवर्ष में, तब से इस पे इनिशिएट लिए जा रहे हैं डे बाय डे इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ पैरामीटर को बेस बनाया गया है। स्टार्टिंग में इन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए एक चेकलिस्ट बनाई थी, जिसमें कि टोटल 40 या 42 पॉइंट होते थे, और उनकी भी रैंकिंग की जाती थी, उनकी नंबरिंग होती थी पहले, उसके बाद फिर उसकी रैंकिंग की जाती थी। और इसी तरह से किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। अब ये इसको जस्टिफाइड करते हैं एक इंडेक्स कर बना के, एक रैंकिंग बना के। तो उस रैंकिंग में बहुत सारे पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह का है उस पर्टिकुलर स्टेट में। देखिए, कोई भी स्टेट अगर है तो उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे, वो फैसिलिटी होगी, और यहाँ पे फंक्शनिंग होगी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टीयरिंग कमिटीज़ की। तो अगर कोई भी स्टेट अपने यहाँ पे फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से काम कर रहा है, और बहुत ज़्यादा केस की पेंडेंसी है, मतलब कि कोई कंज्यूमर कंज्यूमर फोरम में जाके कोई भी प्रोडक्ट के लिए एक कंप्लेन रेज करता है, और वो कंटिन्यूसी में वो प्रोडक्ट की कंप्लेन होती जा रही है लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि आपके स्टेट में पेंडेंसी है केसों की बहुत ज़्यादा, मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है,
उसमें लोग अच्छी तरह से उसको चेक नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं सिस्टम। एडवाइजरी कमेटी की कोई मीटिंग का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा ही फूड अथॉरिटी में होता आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसकी वेटेज बहुत अच्छी है, 20% वेटेज इसमें इसी की ही मिलती है। तो ये एक स्पेसिफिक पैरामीटर है इसका। नंबर टू पे बात करें कि कंप्लायंस, कंप्लायंस कैसे काम कर रहे हैं। देखिए कंप्लायंस, अगर किसी भी सर्टिफिकेशन की तरफ आप जाते हैं तो लीगल कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस फील्ड में पीछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल फूड बिजनेस को चलाने के लिए, देखिए फूड बिजनेस कभी भी अगर चलता है तो बिना लीगल एस्पेक्ट फुलफिल किए नहीं चलेगा। तो फूड बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसके बाद जब आप एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, अगर आप उस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उन कंप्लायंस को टाइम टू टाइम ऑडिट नहीं कराते हैं, तो फिर उस चीज़ में पीछे आ जाते हैं। तो यहीं पे एक डेवलप किया गया है कि आपने अपने यहाँ पे जो भी ऑडिट्स की हैं, जो भी सिस्टम्स की ऑडिट की हैं, आपके फूड ऑफिशियल्स का, ऑफिसर्स का, विजिट का जो शेड्यूल रहा है वो किस तरह से था, तो ये भी 30% इसका वेटेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि इसको इंडेक्स को बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। 20% इसका वेटेज भी है। इसका क्या मतलब है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए भारत में जब कभी भी कोई फूड की टेस्टिंग होती है तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात ये कि वो लैब NABL से एक्रेडिएशन होना चाहिए और FSSAI से अप्रूव होना चाहिए। NABL से एक्रेडिएशन और FSSAI से अप्रूव। इन दोनों में से ही अगर कुछ भी पार्ट नहीं है, कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है, तो वो लैब फूड टेस्टिंग को अप्रूव करने की लैब नहीं बन सकती। तो भारत में इसी तरह से सेंट्रल फूड लैब भी काम करती हैं। तो सेंट्रल फूड लैब में सैंपल तभी जाता है जब वो स्टेट की लैब से पास हो जाता है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली चीज़ होती है कि आपके यहाँ पे, आपके स्टेट में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। एक आप यहाँ पे वर्ड देख रहे होंगे, द अवेलेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इन्फोलैट इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क आर ऑल्सो एग्जामिन्ड अंडर दिस पैरामीटर। कि आपके स्टेट में इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है। अगर ये नेटवर्क प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप रैंकिंग में पीछे हो जाते हैं। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। कोई भी स्टेट अगर फूड सेफ्टी में, फूड सेफ्टी के कल्चर में अगर अच्छा काम कर रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका ट्रेनिंग और उसकी जो पास जो कैपेसिटी है उसको किस तरह से वो बिल्डअप करता है। उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं। और अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में विजिट की जाती है, प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस को, वो फैसिलिटीज़ को, उन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वो कैसे काम कर रहा है। पांच नंबर की अगर बात करें कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर एम्पावरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा आता है। जैसे कि भारत गवर्नमेंट के FSSAI के माध्यम से बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। फूड फोर्टिफिकेशन मीन्स कि आप किसी प्रोडक्ट में एडिशनली इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं जो कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाते हैं। नॉट ओनली कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हैं, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाते हैं और उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl, मतलब कि सॉल्ट की बात करें, तो ये सॉल्ट फोर्टिफाइड अगर होगा, अगर सॉल्ट फोर्टिफाइड होगा तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मिनरल्स को अगर ऐड कर दिया तो ये सॉल्ट फोर्टिफाइड सॉल्ट कहलाएगा। इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ईट राइट कैंप्स, भोग एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये भी, कि ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, मतलब कि भगवान के लिए जो प्रसाद आप चढ़ाते हो वो प्रसाद भी FSSAI से अप्रूव्ड होगा। अब आप देखते होंगे कि
कि जगह जगह जो प्रसाद वितरण, अच्छे अच्छे मंदिरों के बाहर जो प्रसाद वितरण होता है वो FSSAI से अप्रूव्ड होता है। हाइजीन रेटिंग रेस्टोरेंट की होने लग गई है। रूको जो रिप्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल होता है उसको इनिशिएट किया गया रूको के माध्यम से। ये एक है क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए FSSAI ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और उन पर रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब बातों से कंज्यूमर जो ग्राहक होता है उसको एक विश्वास मिलता है, वो एम्पावर्ड होता है उससे। और जब वो एम्पावर्ड होगा तो उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और जब ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो किसी भी फूड जो पैकेज्ड फूड है तो उन फूड की कंपनीज पे, उनकी फैक्ट्रीज पे वो बिलीव करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया। तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडेक्स केवल एक नॉर्मल इंडेक्स नहीं है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। आपके किसी भी रीजन की अगर बात करें, किसी भी स्टेट की अगर बात करें, तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की ईटिंग हैबिट्स को, वहाँ की हाइजीन को, सब चीज़ को ये पूरा एक बार में क्लियर कर देता है और रेटिंग बना के देता है आपको। ये एक ब्रीफ, अगर कहें तो एक ब्रीफ डेटा है। गुजरात, केरला, तमिलनाडु, ये आपको जैसे मैंने बताया था, तो टोटल 20 स्टेट इसमें हैं, जो कि नंबर टेबल में, एक में अगर आप देखें इसको तो ये लार्ज स्टेट के टेबल में है, दूसरे में ये स्मॉल स्टेट्स के टेबल में ये टोटल 7 स्टेट हैं, और बाद में ये 8 स्टेट हैं आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ओवरऑल ये इनके बारे में डिटेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।